उद्धव जी को भगवान को संवाद और उद्धव जी को और गोपियों को संवाद, श्री राधा जी को संवाद, ज्ञान की और प्रेम की चर्चा है। ज्ञान की और प्रेम की आपस में एक झगड़ो है। जो ज्ञान प्रेम से अपरिपूर्ण है, भी ज्ञान ने अधूरो ही बतायो है भगवान भागवत जी के मान सुखदेव जी। प्रारंभ के दिन से आप ज्ञान वैराग्य और भक्ति की जो चर्चा सुनी है कि भक्ति जो ज्ञान से और वैराग्य से अधूरी है, बा वे विचारणी भक्ति को जी भी नाम दियो कि जो भक्ति है भी ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है, वह भक्ति वे विचारणी भक्ति है। वह यही ज्ञान में प्रेम नहीं है, वो ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान को नहीं। उद्धव जी ने थोड़ो ज्ञान को अहंकार हो थोड़ो सो, वे ज्ञान न ज्यादा महत्व देता उद्धव जी। ज्ञान ही सब कुछ है, ध्यान, ज्ञान, योग, प्राणायाम, साधना, आ सब ने भगवान उद्धव जी जो है आ सब ने ज्यादा महत्व देता। उद्धव जी को और भगवान को आपस में जो संबंध हो, रिश्तो हो, बिकी व्याख्या मुश्किल है, लेकिन संत बा दोनों को रिश्तो ई भाव में बतायो कि उद्धव जी और भगवान कोई अलग को नहीं हा, एक ही हा। एक संतो अटतक भी बताया है कि जब उद्धव जी पैदा होया जब रोया को नहीं बह, उद्धव जी जब पैदा होया जन्म लियो रोया को नहीं, कृष्ण 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 यही आवाज निकाली जन्म तई। अति प्रेम हो दोनों आम, कोई भी कार्य भगवान बिना उद्धव जी ने पूछा कौन करता। भगवान तो स्वयं भगवान हा, ज्ञानी हा, मान के पूछने की आवश्यकता है, लेकिन उद्धव जी ने पूछ कर ही कोई कार्य करता। अति प्रेम हो दोनों, अति प्रेम। एक बार भगवान बैठे हा और उद्धव जी पास महा, सब लोग बहुत ध्यान से सुनियो। भगवान थोड़ा बाहू को कहा, राधा जिन गोपियां और यशोदा मां आनंद बाबा ने याद कर भगवान बाहू को कहा, कल्पना करो संभवतः आज पहली बार भगवान की आंखें आंसू या तो माने याद करे हजरत बाबा के सामने प्रकट को नहीं होने दिया आपका आंसुअन, लेकिन हृदय में बम भावुकता आई। लेकिन आज पहली बार गोपियां ने राधा जी ने और ब्रजवासियां ने याद कर भगवान उद्धव जी के सामने भावुक हो रहा है। उद्धव जी भगवान को हाथ पकड़कर, भगवान आप क्या कर रहे हो, आप अपना आपको बहान करो, आप भगवान हो, और की के लिए आंसू प्रकट कर रहे हो, आप मोह माया में क्यों फंस रहे हो। ओहो उद्धव जी को ओ ही ज्ञान को अहंकार थोड़ो, भगवान ने मोह माया, भगवान को वो प्रेम उद्धव जी समझ को न पाया। संभवतः भगवान इके लिए ही उद्धव जी ने ब्रज में गोपियां कने राधा जी कने भेजा है। भगवान ने संभवतः यह लागी निश्चित की थोड़ो अंश रूप के मायने उद्धव के, उद्धव जी के ज्ञान को अहंकार है, इलिए वो बात बोल रहे है कि थिक्की की मोह माया में फंस रहे हो। भगवान
अपना आपने स्थिर कर कर संभाल कर। उद्धव जी ने बोले हैं कि उद्धव एक काम कर, तू गोकुल जा, ब्रज जा, पर मेरो संदेश गोपियां ने राधा जी माँ यशोदा नंद बाबा ने दे। उद्धव जी सोच रहा है मन में कि मैं आई चाह रही हूं कि वे जो गोपियां ही जे राधा जी हैं ब्रजवासी हैं जो बिना ही मतलब मोह माया में फंस रही हैं और रो रही हैं परेशान हो रही हैं, मन में जाकर समझाऊं। उद्धव जी मन में सोच रहा है भगवान मन आदेश कर दियो बहुत अच्छी हो रही हो, मैं जाकर मन समझाऊंगा। लेकिन उद्धव जी आप भी सोच रहे हैं कि मेरो ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान है, बा गोपियां के क्या समझ में आओगे, वे तो गोपियां ही भोली बाली हैं, वे तो बावली ही, बा के महरलो ज्ञान क्या समझ में आओगे। लेकिन फिर उद्धव जी सोच रहे हैं कोई बात को नहीं, मैं मेरे ज्ञान ने थोड़ो सो हल्को कर कर बा के तरीके से मैं मन समझाऊंगा। उद्धव जी यह सोच रहे हैं, भगवान बोले हैं कि ठीक है उद्धव, काल तू जाए ब्रज में गोकुल में और वन सब जाए। बहुत भावपूर्ण प्रसंग है, बहुत दिव्य प्रसंग है। प्रेम की और ज्ञान की जो चर्चा है, प्रेम की और ज्ञान की जो झगड़ो है, प्रेम के बिना ज्ञान की तो अधूरो है, आप लोग ये प्रसंग से समझ सको। उद्धव जी प्रातःकाल रथ तैयार कर स्वयं तैयार होकर गोकुल की तरफ प्रस्थान करें। गोकुल में पहुंचे है, गोकुलवासियों की रथ पर नजर पड़ी है, गोप गोपियां यशोदा मां नंद बाबा सब जो बड़े समाधि में जड़ में एकदम स्थिर हो रहा है, नजर पड़ी रथ की तरफ, कुछ चेतना जागृत हुई, भगवान आगा कन्हैयो आग, क्योंकि जो रथ हो और उद्धव जी को जो वेशभूषा ही पहरान हो, कृष्ण भगवान जयाल कोई कन्हैया जयाल कोई हो, लेकिन दूर से इतना समाधि महाती आंसुआ से सरोवा रहा, गोप गोपिया ब्रजवासी में देख कौन पाया, पहचान कौन पाया, दूर से देखो रथ ने और वेशभूषा तो मान यही लागो कि भगवान आ गए। सुध बुध खोयड़ी बाम खोयड़ी बाग कर सब लोग रथ कन पहुंचा। पतो चालियो कि भगवान को नहीं, उद्धव जी है। मूर्छा और ज्यादा वालों की, उद्धव जी नंद बाबा से मिले, नंद बाबा ने बतावे समाचार भगवान का, माँ यशोदा से मिले, माँ सिर्फ चर्चा ही सुना है भगवान की, कोई जवाब कौन दे। उद्धव जी सारा समाचार बताओ मां ने, माँ कन्हैयो ठीक है, भगवान ठीक है, सब अच्छा है, आप इताइया मत हो, आराम से रहो, भगवान लीला करने के लिए गया है, आप किता धन्य हो, आपने प्रेम से सरोवार कराया है, माँ है, माँ उद्धव जी की के बात समझेगी, विज्ञान ने के महत्व देवेगी, बड़े तो प्रेम ही प्रेम है। उद्धव जी गोपियां कर जावे हैं, गोपियां ने समझावे हैं, गोपियों आप क्यों इतनी विरह के मायने पड़ी हो, क्यों इतनी रो रही हो, भगवान मथुरा में ही कोई दूर थोड़ी है। गोपियां सुनकर जवाब देवे हैं उद्धव ने, उद्धव तू के बोल रहे हो, भगवान अठे ही कोई दूर थोड़ी, गोकुल में ही।
तन पतो ही को नहीं भगवान मारे कन नहीं ही ये सामने खड़े आस स्वयं मारे पास में ही मैं भगवान मारे हृदय में ही तन लाग रही हो कि भगवान मथुरा में ही माने कौन लाग रही हो कि भगवान अठे ही उद्धव जी पूछे तो ठीक थी परेशान क्यों हो रही हो फिर जवाब देखियो के गोपियां को आनंद को जवाब उद्धव जी पूछे कि तो अठाई भगवान ही उसे भगवान का दर्शन कर रही हो भगवान थारे पास में ही तो थेती वीरे में और इतनी परेशान क्यों रो रही होते गोपियां बोल रही कि उद्धव तेरे ज्ञान की बात बस की बात को नहीं आ तू कौन समझ सके चीज गोपियां बोली कि माने भगवान बोल कर गया कि मैं वापिस आऊंगो और अगर भगवान वापिस आवे और मेहमान नहीं मिला इलिए मैं अपना आपने ई वीरे में ही जीवता राख रखी अन्यथा मैं आज ब्रह्म ब्रज भूमि में ब्रज के कण कण में व्याप्त हो जाती भगवान माने तो रस प्रदान कर कर गए हैं तो आशीर्वाद तो प्रेम प्रदान कर कर गए हैं कि मारी कोई चाह ही नहीं है मारी कोई इच्छा ही नहीं है मैं स्वयं भगवान में लीन हार स्वयं भगवान मारे में लीन है लेकिन भगवान बोल कर गया है कि मैं वापिस आऊंगो तो ब्रज में अगर वापिस भगवान आवर मैं बन नहीं मिला भगवान कितना परेशान है इसलिए मैं अपना आपने वीरे की अग्नि में भी जलाकर अभी तक मौजूद हूं कोई जवाब नहीं है उद्धव जी का उद्धव जी को ज्ञान भी पिंगल रहे है बैठे गर्मी में जिया बर्फ पिंगल है भैया उद्धव जी को ज्ञान पिंगल रहे है उद्धव जी का भी समझ मारी है उद्धव जी गुरु बनकर आया है तो गोपियां का शिष्य बन रहे हैं आज उद्धव जी राधा जी कन गया यहां पे राधा जी उद्धव जी ने कोई सम्मान कौन दियो उद्धव जी आया राधा जी कन राधा जी बन कोई सम्मान कौन दियो बन कोई से नजर कौन मिलाई उद्धव जी बोलिया राधा जी मैं भगवान को संदेश ले रहा हूं राधा जी बोले दूर मेरे से बात मत कर भगवान मेरे लिए संदेश भेजता सिर्फ तो तेरी बात सुनतो मैं सुनती मैं भगवान ब्रजवासिया के लिए संदेश लेकर तन भेजा है सबके लिए मेरे लिए कौन भेजा तू मेरे से के बात करेगो तू मेरे के संदेश देवेगो सिर्फ मेरे लिए भगवान संदेश देकर भेजता तेरी बात सुनती और भगवान के मन संदेश देवेगा भगवान का मतन दर्शन अठाई कर हूं मेरे स्वयं में भगवान ही तू भगवान को के संदेश लेकर मेरे कनावेगो तेरे ज्ञान को पर दो अठा प्रेम के समुद्र में डूब अठाई भगवान ही मारकन आहा राधा जी को और उद्धव जी को संवाद दिव्य संवाद भागवत जी वर्णन एक बठे बहुरो आवे भी समय राधा जी और उद्धव जी जब बैठे है एक बहुरो आवे भंवरे से जवाब तलब राधा जी की बात हो रही है भंवरे ने बोल लिया कि भंवरा चलो जा तू अठे से मेरे भगवान की बेइज्जती मत कर तू क्यों आयो अठे ओहो भवरा तेरे मुंह में जो यो पीड़ोपण है यो खटे बाई फूलां को तो रस नहीं है ने जो मथुराम भगवान बठे की औरता कोई फूल धारण करया गले में और मां से मिलिया हर बो रस वहां फूलां को रस तेरे मुंह पर लागेड़ो है खटे बोई तो रस नहीं है ने तू चलो जाट ऐसे यो दिखा मत सब ने मेरे भगवान ने बदनाम मत कर
उद्धव जी एक दो दिन के लिए आया बठे, दो महीना रुकिया बठे। उद्धव जी ब्रजवासियों ने गोपियां समझाने के लिए, राधा जी ने समझाने के लिए एक दो दिन के लिए आया, दो महीना उद्धव जी रुकिया बैठे। और पूरी ब्रज भूमि में कण कण में वह लौटिया है, कण कण आपके शरीर में धारण करियो है उद्धव जी। और एक जो ज्ञान को अहंकार हो, पूरा अहंकार बैठे उद्धव जी को गड़े है। प्रेम रस स्थापित हुआ है ये हृदय में, बिस बड़ो के ज्ञान हो सके। शास्त्रां की, वेदां की, पुराणां की, धर्म की, ज्ञान की बातां अगर कोई व्यक्ति जाने, सह शब्द जाने, सह भाव जाने, संस्कृत के श्लोकां में भी जाने, लेकिन भी हृदय में प्रेम नहीं है, प्रेम को रस नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, अहंकार है, जया उद्धव जी में हो। ज्ञान होनो चाहे, निश्चित होनो चाहे, लेकिन ज्ञान प्रेम से परिपूर्ण होनो चाहे। और बहुत बार तो यह भी देखने के लिए आवे है, सामने दिखे समझ में आवे कि अगर ज्ञान को अभाव भी है लेकिन प्रेम परिपूर्ण है व्यक्ति के जीवन में, तो गोपियां ज्ञान कटे हो, प्रेम ही तो हो। उद्धव जी में ज्ञान तो हो ही नहीं, प्रेम को नहीं हो। दोनों को अपनी अपनी जगह महत्व है, ज्ञान को प्रेम को, लेकिन प्रेम न प्राप्त करने के लिए प्रयास करनो चाहिए। ज्ञान स्वयं भी के पीछे पीछे आवे दो, प्रेम न प्राप्त करनो चाहिए, ज्ञान स्वयं भी के पीछे पीछे आवे दो।